फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक विद सुहाना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे भिंडी। इसके लिए हमने भिंडी काट के रखे हैं, प्याज बारीक काट के रखे हुए हैं, टमाटर, मिर्ची। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करती हूँ। कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल डालेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं। प्याज पकने के लिए कभी भी थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, प्याज अच्छी तरह से पक जाते हैं। प्याज हल्का सा ब्राउन कलर हो चुका है, इसमें अब हम भिंडी डालेंगे। भिंडी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। नमक इसमें हम थोड़े टाइम बाद डालेंगे, इसका जो चिपचिपा है खत्म हो जाएगा, उसके बाद नमक डालेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालिए। अब इसमें हम टमाटर डाल लेंगे। टमाटर हमें मिक्स नहीं करना है, ऐसा ऊपर ही अच्छे से डालने का। टमाटर के ऊपर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये टमाटर अच्छे से गले। अब हम हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच, छोटा चम्मच है। एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। हरी मिर्ची भी मैंने डाला। तो अब इसे हम स्लो में पकाएंगे, स्लो में ढक देती हूँ। अभी मैं ढक्कन लगा देती हूँ। अभी इसे हम 10 मिनट स्लो में पकाएंगे। तो अब इसे हम खोल के देखते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे हम स्लो में थोड़ा टाइम पकाते रहेंगे। ये हमारा भिंडी का सब्जी तैयार है। प्लीज़ अगर मेरा ये रेसिपी आप सभी को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, ताकि अगला रेसिपी मेरा आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप सबसे पहले देख पाए। क्या हमारा भिंडी का सब्जी एकदम तैयार है।